Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn a very interesting topic and that is 10 to 1 that. Friends, इस spoken का topic है 10 to 1 that. अक्सर conversation में आप सुनते होंगे 10 to 1 that you will pass, 10 to 1 that you will speak English, 10 to 1 that will help me. तो friends, ये 10 to 1 क्या है? 10 to 1 का मतलब होता है more likely it will be. या इट विल नॉट बी. फ्रेंड्स 10 टू 1 का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं या बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये काम होगा. जैसे अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलना पड़े, तय है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे. यहां इस सेंटेंस से पता ये चल रहा कि बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप अंग्रेजी बोलेंगे. तो आप कहेंगे फ्रेंड्स, तय है कि 10 टू 1 दैट, 10 टू 1 दैट, यानी तय है कि या बहुत ज्यादा इम्कान है, बहुत ज्यादा चांसेस है. आप अंग्रेजी बोलेंगे, इसको ट्रांसलेट कर लीजिए. जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे और पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर जाएंगे. फ्रेंड्स यह ट्रिक पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूं. आप यानी यू, पीछे आइए. गे यानी विल, बोलना स्पीक. और अंग्रेजी को कहते हैं इंग्लिश. आप अंग्रेजी बोलेंगे, यू विल स्पीक इंग्लिश. तो फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो तय है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे, तो आप कहेंगे 10 टू 1 दैट यू विल स्पीक इंग्लिश. फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो तय है कि आप कामयाबी पाएंगे, तो आप कहेंगे 10 to 1 that you will get success. तय है कि वह आपकी मदद करेगा. 10 to 1 that he will help you. तय है कि मैं एक कार खरीदूंगा. 10 to 1 that I shall buy a car. तय है कि आप एग्जाम में पास हो जाएंगे. 10 to 1 that you will pass in the examination. तय है कि वह यहां आएगी. 10 to 1 that she will come here. तय है कि मेरे पापा मुझे डांटेंगे. 10 to 1 that my father will scold me. फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस कई बार ऐसे भी आते हैं. लिखा होता है आप अंग्रेजी बोलेंगे, लेकिन कहने वाले का सेंस होता है कि आप जरूर अंग्रेजी बोलेंगे, या ऐसा तय है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे, बहुत ज्यादा चांसेज है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे. तो आप अपने बातों को ऐसे कह सकते हैं 10 to 1 that you will speak English. वह जरूर मदद करेगी. आप कहेंगे 10 to 1 that she will help. यानी उनके बातों से ये पता चला कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मदद करेगी. फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह टॉपिक 10 to 1 that समझ में आया कि इसका क्या कंसेप्ट है, तो आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. बताएं, तय है कि आप वीडियो शेयर करेंगे, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार करूंगा. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय.